हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। UPPCS उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से एक रिक्रूटमेंट चल रही है RO की पोस्ट के लिए। रिव्यू ऑफिसर दो टाइप की पोस्ट है इसमें, RO की एंड ARO की, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एंड रिव्यू ऑफिसर। दोनों अच्छी जॉब है और 4600 ग्रेड पे की जॉब आप लोगों की RO वाली। तो इसका जो फॉर्म है वो कम्प्लीट हो चुका है। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि थी आप लोगों की वो 24 नवंबर थी। तो 24 नवंबर तक आई होप आप लोगों ने इसका फॉर्म भर दिया होगा। फॉर्म भरने के बाद से आप लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि सर इसकी स्ट्रेटजी बता दीजिए, सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, उसके बारे में आप लोग बोल रहे थे कि सर एक बार इस पर अपडेटेड वीडियो बना दीजिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपना जो प्रीवियस ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगा। लास्ट टाइम मैंने ये एग्ज़ाम दिया था, क्लियर भी किया था, विद प्रूफ आप लोगों के साथ वो डिटेल है वो शेयर करूँगा कि कैसे कैसे मैंने प्रिपरेशन की थी, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो ये आप लोगों का मेरा एक एडमिट कार्ड है जो 2021 में सेम रिक्रूटमेंट आई थी आप लोगों की RO की पोस्ट के लिए एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर ARO की पोस्ट के लिए। तो इसमें ये एग्ज़ाम मैंने दिया था और लगभग इसमें जो RO की पोस्ट थी अप्रोक्सीमेटली 100 पोस्ट थी। इस टाइम तो अच्छी खासी पोस्ट है, ठीक पोस्ट है, 250-300 के आसपास पोस्ट है इस बार। तो 2021 में 100 पोस्ट थी RO की। और आप लोग जानते ही हैं मेरा नाम दीपक कुमार है और वीडियो आप लोगों को प्रॉपरली इस वजह से नहीं मिल रही क्योंकि मेरी अभी ट्रेन मैनेजर की पोस्ट के लिए ट्रेनिंग चल रही है, जो 2 महीने की ट्रेनिंग है। थोड़ी वीडियो में अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा। तो ये मेरा रोल नंबर था, रजिस्ट्रेशन नंबर, और ये मेरा रोल नंबर है 440-520। नाम तो आप लोग जानते हैं मेरा दीपक कुमार है। तो मैं आप लोगों को RO का रिजल्ट दिखा देता हूँ और ये मेरा फोटो आप लोग देखते ही हैं और ये एडमिट कार्ड था। तो 440-520 मेरा रोल नंबर है, ये आप लोग रोल नंबर देख सकते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ सर्च करके दिखाता हूँ। ये मैं आप लोगों के लिए एक रिज़ल्ट डाउनलोड कर रखा RO वाला। तो RO वाला ये रिज़ल्ट है आप लोगों का, ये समीक्षा अधिकारी बोलते हैं इसको। ये सेक्रेटेरिएट की जॉब है जो आप लोग की UPP जो है आप लोगों का लखनऊ में पोस्टिंग रहेगी। तो इसमें ये 2021 का रिज़ल्ट है, तो इसमें देख लेते हैं। मैं आप लोगों को सर्च करके दिखा देता हूँ 440-520। तो ये देखिए आप लोगों को सर्च में आ चुका है। तो इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था 440-520 में और ये रोल नंबर है मेरा। तो मैंने प्रिपरेशन ज़्यादा समय नहीं दिया था क्योंकि मैं उस समय लोअर PCS की प्रिपरेशन कर रहा था, तो उसी टाइम मैंने एग्ज़ाम दिया था और मेरा क्लियर हो चुका था। तो ये एक अपडेट थी आप लोगों को, आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ, तो मैं आप लोगों को एक अच्छे तरीके से गाइड कर सकता हूँ कि आप लोगों को कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, क्या सिलेबस रहता है, कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं एक डिटेल वीडियो बनाई जाए जिसमें आप लोगों को समझाया जाए किस तरीके से RO की प्रिपरेशन करनी चाहिए, और आप लोगों को पता ही है कि इसके एग्ज़ाम डेट आ चुके हैं, 11 फरवरी को आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा 2 शिफ्टों में। तो 2 शिफ्ट में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। तो अभी समय है आप लोगों के पास, दिसंबर है, जनवरी है और फरवरी के 10 दिन है, तो लगभग 2.5 महीने का समय है। तो इसमें आप लोग इतना टाइम है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। तो आप लोग बता दीजिएगा कि सर एक बार इस पर डिटेल वीडियो बना दीजिए, सिलेबस पर, एग्ज़ाम पैटर्न पर, क्या क्या चीज़ें फॉलो की है, सोर्स क्या क्या रहेंगे, बुक्स क्या क्या रहेगी। तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, उसके हिसाब से जैसा रिस्पॉन्स आपकी साइड से आएगा मैं आप लोगों को एक अपडेट वीडियो दे दूँगा, स्ट्रेटजी भी बता दूँगा कि किस तरीके से आप लोग उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन रख लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।